देश के युवा साथी, आज देश भर में अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी चिंता समस्या बन गई है। मोदी सरकार के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट का पिछले 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन सरकार डिनायल मोड में है। प्राइवेट सेक्टर में 2 करोड़ 10 लाख नौकरियां कोरोना के दौरान ही जो है वो गायब हो गई, लेकिन सरकार भी निश्चिंत है। इसी तरह से डिमोनेटाइजेशन के बाद जो कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर में बड़े पैमाने पे रिट्रेंचमेंट और डिसएंगेजमेंट हुई, और आज सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 30,000 लोगों को जबरन एक किस्म की वॉलेंट्री रिटायरमेंट दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में 10 लाख से ज्यादा नौकरियां जो खाली पड़ी हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहां तो संकट और भी गहरा है। मैं समझता हूं कि यहां 7 लाख से ऊपर जहां बच्चे जो हैं वो 12वीं से नीचे क्लास 4 के लिए अप्लाई करें, तो इससे बड़ी गंभीर संकट क्या हो सकता है कि जब 12वीं के बाद के बच्चे अप्लाई ही नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की फौज जम्मू कश्मीर में हो गई है। पिछले कई सालों से मिस गवर्नेंस है, पिछले 5-6 साल से, लेकिन एक साल से जब से जो है वो रिश्वत 370 तोड़ा, 50,000 का वादा हुआ था, एक साल से ज्यादा हो गया, 50,000 नौकरी कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन 8,500 के लिए 7 लाख से ऊपर लोग अप्लाई करते हैं। जितनी रिक्रूटमेंट चल रही थी जेके बैंक या तमाम, वो सारी को खत्म करके दोबारा उनको पोस्ट को जमा करके आंकड़ा बताने का प्रयास किया जा रहा है। कई सालों से बच्चे जो अनएम्प्लॉयड हो गए और सिलेक्शन की उम्मीद कर रहे थे, उनकी लिस्टें नहीं निकली बल्कि क्रैश कर दिया गया। इसलिए मनमर्जी की सरकार में, युवा विरोधी सरकार में युवा जितने परेशान हैं, आज सबको चाहिए कि हम सब प्रयास कर रहे हैं कि स्पीक अप फॉर जॉब्स। आज यूथ कांग्रेस, कांग्रेस और सब युवा साथी इसके लिए फरियाद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी जी युवाओं के मन की बात भी करें। अपने मन की बात करते हैं, लेकिन जन के मन की बात करें तब जो है बात समझेगी। इसलिए अर्थव्यवस्था तो बिगड़ी है, लेकिन तमाम व्यवस्था देश के अंदर बिगड़ गई, और कोरोना का संकट तो अभी आया, लेकिन उससे पहले भी इतना संकट जो है किसी की आवाज, किसी की बात सरकार ने नहीं सुनी। इसलिए युवाओं की हमें चिंता है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो भी युवाओं की चिंता करेंगे। अनएम्प्लॉयड और युवाओं को, एजुकेटेड युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा। संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं।